गौरव जी, शक्ति प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया राजघाट जा रहे हैं और पूरा का पूरा हुजूम उनके साथ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के द्वारा करवाई जा रही कार्रवाई है। शक्ति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरे इस काफिले में भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमान और पापी जरूर दिखाई दे रहे हैं, जो कानून की ताकत से डरने लगे हैं, और ये डर बहुत अच्छा है। आपको इसमें डर नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं कि शक्ति तो देखिए, आप ईडी और सीबीआई ने जो छापेमारी की, आपको क्या मिला आप बता नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, कल प्रेस वार्ता में ये प्रश्न भी पूछा, 2 महीने का समय था और मनीष सिसोदिया जी अगर कहते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष से लगाया हुआ मामला है तो न्यायालय जाके रद्द क्यों नहीं कराया, रोक भी नहीं लगी। दूसरी बात, ये कट्टर बेईमान लोग हैं, जनता के जो प्रश्न है आबकारी नीति को लेके, कि आपने आबकारी नीति लाए और कहा ये अच्छी है तो वापस क्यों लिए? आपने निजी कंपनियों का रुपया माफ किया और जो राजकीय कोष है उसमें सेंध लगाई, अपनी तिजोरी भरी, ये बड़ा प्रश्न है। तीसरी बड़ी बात, शहीद भगत सिंह जी का नाम, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी आपके पापी ले रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है और मैं समझता हूं कि जल्द ही जनता इनको सबक सिखाएगी। वो सीधा सीधा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कुछ और नहीं है, क्योंकि गुजरात में हम लोग जीत रहे हैं, बीजेपी कहीं भी फाइट में है ही नहीं वहां पर, इसीलिए मैं बस गुजरात न जाऊं, इसलिए मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अनर्गल बातें करते हैं मनीष सिसोदिया, जैसा मैंने कल भी कहा था, वो उप मुख्यमंत्री कम है, अरविंद केजरीवाल की काली कमाई के कलेक्शन एजेंट ज्यादा है और इतिहास में कमी होता है कि एक उप मुख्यमंत्री विवेचना के लिए जाएगा और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों पे जाएगा। मैं समझता हूं ये शर्मनाक है और ये आप नहीं पाप है और भ्रष्टाचार कर रही है और जनता और कानून इनको सबक सिखाएगा। लेकिन गौरव भाटिया, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक बड़ा इवेंट के तौर पर यह बन गया है, मनीष सिसोदिया जिस तरह टिकट जो टीका लगवाया, मिठाई खाई और एक बड़ा हुजूम कार्यकर्ताओं को संबोधित थोड़ा सा किया और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है? देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे याद आता है संजय राउत भी ऐसे ही टीका लगवा के निकले थे घर से, हुजूम था, नारे लग रहे थे और अब कई माह हो गए, अभी जेल में ही है। तो ये जो कानून का शिकंजा है ना, जब ये कसता है तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। मनीष सिसोदिया जी को भी पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किया तो आसानी से था, लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो इनको भी पता चल जाएगा कितनी सख्त है और कैसे जनता एक एक रुपए का हिसाब मांगेगी। गौरव भाटिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता, उनका स्पष्ट कहना है कि एक कट्टर बेईमान है और जो असली जो तस्वीर आएगी वो जेल के भीतर की अब सामने आएगी और उनका ये कहना है कि ये कुछ भी नहीं है, गुजरात में हम आराम से जीत रहे हैं, जो तमाम इल्जाम उन पर लगाए जा रहे हैं उनका कहना है कि बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि मनीष सिसोदिया लगातार कह रहे हैं कि मेरे घर पर 14 घंटे की रेड, कुछ नहीं मिला, मेरे लॉकर्स की जांच भी, कुछ नहीं मिला। बहरहाल, मनीष सिसोदिया जब घर से निकले, टीका लगवाया, शुभांकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है, शुभांकर क्या पहुंचने वाले मनीष सिसोदिया राजघाट? राजू, तस्वीरें आपको दिखा जाएंगे, देखिए राजघाट यहाँ पहुंच चुके हैं और आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता जो हैं वो आपको राजघाट पर नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये वो गाना है जिसको आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कह लीजिए तो अपना एंथम बना लिया है। और जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी, देखिए राजघाट जाने का ये रास्ता है, मैं अपने कैमरा पर्सन मदन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाए, ये राजघाट का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, महात्मा गांधी की समाधि है, बापू गुजरात से आते हैं और मैसेजिंग जो है आज बड़ी स्ट्रांग की जा रही है क्योंकि बार बार गुजरात का जिक्र हो रहा है, इलेक्शन का जिक्र हो रहा है और इस पूरे आप सीबीआई दफ्तर जाने से पहले इस पूरे घटनाक्रम को एक इवेंट के तौर पर तब्दील कर दिया गया है जिसे आप आपदा में अवसर कह सकते हैं। गुजरात इलेक्शन के कैंपेन की शुरुआत जो है उसे आप दिल्ली से कह सकते हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया बार बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप डिसिप्लिन रहिए, यहां पर हमें जाना है, लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण है, एक बार बार यहां पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये नए सिरे से आजादी की लड़ाई है जिसे मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन लड़ रहे हैं और दूसरी बात यहां पर पीछे तस्वीर दिखाइए, देखिए मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा आज के भगत सिंह, देखिए
ये तस्वीर है, यही मैसेजिंग है भगत सिंह का, वो जो पीला पट्टा था वो भी आपको यहाँ देखिए, वो एक मैडम मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, तमाम लोगों के गले में पीला पट्टा जो है वो मौजूद है। और आज के भगत सिंह की बात कहते हुए वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि गुजरात इलेक्शन को लेकर बिल्कुल शुभांकर आम आदमी पार्टी जोड़ रही है भगत सिंह से, लेकिन बीजेपी कह रही है तो भगत सिंह का अपमान है।